आपकी भूल की हकीकत में बताऊं तो आपसे मुझे कुफर की बू आ रहा है, आपसे मुझे कुफर की बू आ रहा है। बस इतना कहकर अबू सैद की तरफ मायल हुए। अबू सैद को फरमाया, शाम उम्मत को जो बुजुर्ग थे उसने फरमाया, अबू सैद आप बड़े मालदार बनना चाहते हो, आप बहुत बड़े मालदार बन जाओगे। फिर जब एकदम अबू सकाम और सैद कहने लगे कि जब हमने देखा उस बुजुर्ग को, जब गांव से आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मायल हुआ तो उठकर वहां से चला, गांव से आजम के पास आया, आपके पेशानी को बोसा लिया और कहा कि मेरे प्यारे वली अल्लाह, एक वक्त ऐसा आएगा शाह मोहम्मद औस बजायरी हयात नहीं होगा, यानी बुजुर्ग का कहना था मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन ऐसा वक्त आएगा, ऐसा दौर आएगा बगदाद में आप ऐलान करेंगे कि कोई जब तक वली नहीं बनेगा जब तक उसके गर्दन पे मेरा कदम नहीं होगा। आप लोगों ने एक अलामत सुनाया ना कि हर वली के गर्दन पर कौन से आजम का कदम है, ये सुना है, ये करामत हकीकत ये। जब अबू सैद वकास ने कहा कि हम लोगों ने दुआ मंगवाई, अपने अपने हक में रुखसत किया, जब हम वापस वापस अपने अपने मदर से आए, जब ऐसा वक्त आया कि वो अबू सका जो था जिससे उस बुजुर्ग ने कहा कि आपसे कुफर का मुझे बू आता है, वो रूम के बादशाह की लड़की पर आशिक हो गया, वो ईसाई थे, तो फिर उन्होंने अबू सका को कहा कि आप मुसलमानियत छोड़ दें, आप ईसाईयत अख्तियार करें, आप ईसाई बन जाएं, तो हम अपना लड़की आपको देने के लिए काम है। इसी तरह उसको निकाह में लड़की दिया गया।